Good morning, students. We are doing your chapter 2, food. And today we will discuss your why should we take a food and what should we eat. The term diet refers to the food eaten by the human beings. A balanced diet consists of all the nutrients which are important for proper growth and development of the body. So the question comes, what do you mean by the balance diet? Underline this. A balanced diet means having all the nutrients. Nutrients mean full of carbohydrate, fats, minerals, and protein. These comes under the balanced diet. Why it is important? It is important for proper growth and development of our body. So everybody, they should have to consume a balanced diet. Food is required to provide energy for doing work and for providing nutrients. It is essential for growth and repair of tissues and for reproduction. Food also protects us body against infections. Energy obtained from a food is also needed for all the metabolic activities of the body, like respiration, circulation, and digestion. So, which is very, very important. So, food is very important. This is especially important for our circulatory system, respiration, circulation, or digestion. Iske liye food aapka bahut important hai. So, food simply act in your body just like a fuel. A balanced diet can be vegetarian or non-vegetarian. A balanced diet, simple meal is more nourishing than an imbalanced, greasy or junk food. Deep fried food lose their nutritive value. Oily and spicy food may have a good taste, but they are known to be quite nutritive. Stale and rotten food can be harmful to the health. Eating lots of fried items like samosa, kachoris, bread pakoras may not provide you the essential nutrients. तो ये वाले खाने, समोसा हो गया, कचौड़ी होगी, ब्रेड पकौड़ास, फ्राइड फूड, ये टेस्टी तो लगते हैं खाने में और बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं, फैट्स और एनर्जी भी, बट दे आर नॉट क्वाइट न्यूट्रिटिव. ठीक है, ये ज्यादा खाने से क्या होता है, आपकी सेहत खराब हो सकती है. ठीक है, तो यू शुड नॉट टेक दी समोसा, कचौड़ी, फ्राइड फूड इन एक्सेस अमाउंट. टेक दी बैलेंस्ड डाइट. आफ्टर दैट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ. पुअर हेल्थ के लिए आपके कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं मैल न्यूट्रिशन. अमंग द पुअर फैमिलीज, चिल्ड्रन ईट अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्ची फूड विदाउट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन देयर डाइट. समटाइम दे कैन नॉट इवन गेट वन स्क्वेयर मील अ डे. दिस कैन रिजल्ट इन स्टार्वेशन. ठीक है, तो प्रॉपर उनको क्या साथ में दाल सब्जी नहीं मिल पाती. जनरली वो क्या करते हैं बच्चे, पुअर फैमिलीज के, चपाती ले लेंगे साथ में, मीन्स कार्बोहाइड्रेट वाली चपाती ली, और उसके साथ बैलेंस क्या नहीं है आपके, ना तो साथ में कोई दाल है और ना ही कोई सब्जी है. तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, दीज कंडीशंस आर टर्म्ड एज प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, विच इज पैम, ऑल्सो कॉल्ड PCM, प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन. प्रोटीन एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाएगी या प्रोटीन कैलोरी की डेफिशिएंसी हो जाएगी. सो सच डिजीज आर कॉल्ड PCM और पैम. सच कंडीशन कैन रिजल्ट इन टू प्रॉब्लम इन अ चिल्ड्रन. इसकी वजह से बच्चों में जनरली दो तरह के आपके क्या हो जाते हैं, डिजीज हो जाते हैं, क्वाशियोर्कर एंड मिरास्मस. ठीक है, ये दो आपके क्या हो जाते हैं, डिजीज हो जाते हैं. सो अंडरलाइन दिस, डेफिशिएंसी ऑफ पैम एंड PCM. क्वाशियोर्कर इज सीन इन इन्फेंट्स अप टू 3 ईयर ऑफ द एज व्हेन देयर डाइट डज नॉट कंटेन एनफ मिल्क. मिल्क की क्या हो जाती है, प्रॉपर क्वांटिटी में उनको नहीं मिलता. एज अ रिजल्ट देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन.
the growth of the child get retarded and the face, feet and abdominal region get swollen due to water retention. ठीक है, तो क्या होगा उन बच्चों में? ठीक है, फीट जो है एब्डोमिनल रीजन क्या होता है, स्वॉलन हो जाता है ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी. डिसलोकेशन ऑफ डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड डायरिया आर आल्सो कॉमन इन सच चिल्ड्रन. यू कैन सी इन अ पिक्चर. एंड मेरास्मस, क्वाशियरकर एंड मेरास्मस, इन बच्चों के जो कर हेयर का कलर है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है. एंड डायरिया इन बच्चों में क्या होती है, कॉमन डिजीज. अ चाइल्ड सफर फ्रॉम मेरास्मस व्हेन ही शी इज स्टार्विंग इज नॉट गेटिंग एनफ फूड. एज अ रिजल्ट देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. इस चीज की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इन चीजों की क्या होती है, कमी होती है. दीज deficiencies cause a wasting of muscles and the child become very thin. Children bahut zyada patla ho jayega aur uski muscles bhi weak ho jati hain. This result in general weakness and retarded growth. Proper growth nahi hoti, abnormal growth rahegi aur weakness ho jati hai bacche mein. Theek hai, next topic is obesity. The weight of individual must be in proportion to her or his height. Some individuals have a tendency to eat more than what is needed by their body. मतलब जितनी body की requirement है उससे ज्यादा खा लेना is said to be your obesity. As a result, the body get extra calories. These extra calories get stored बिलो द स्किन. ये जो एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेते हैं उससे फिर एक्स्ट्रा कैलोरी मिलेगी, तो वो कहाँ स्टोर हो जाती है, अंडर द स्किन. द पर्सन बिकम ओबेस. इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स लाइक ईटिंग फ्राइड फूड, हाई एनर्जी और हाई फैट्स वाले फूड ले लेना इज वन मेजर रीजन फॉर द ओबेसिटी. ईटिंग थ्रू आउट द डे एंड lack of exercise, बहुत ज़्यादा खाना, exercise ना करना are the other important reason for the obesity. Obesity leads to many health problem. Just have a look on the picture. You can see here कि जितना body को requirement है उससे अधिक क्या करना, खा लेना. ठीक है, और उसमें ज़्यादा ज़्यादा क्या consume करते हैं, lot of fried food. ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके एक लेयर स्किन के नीचे जम जाती है. ठीक है, और उससे क्या होगा, चिल्ड्रन ओबेस हो जाता है, बहुत अधिक क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, अनशेप्ड हो जाता है. और ओबेस होने से, ओबेसिटी की वजह से क्या होगा, बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है. सपोज जैसे प्रॉपर चल ना पाना. ठीक है, एक्सरसाइज ठीक से करेंगे ही नहीं ये बच्चा ओबेस वाला. ठीक है, तो ये इट लीड्स टू दी ओबेसिटी प्रॉब्लम. लुक है, yes, obesity. So children, this is all about your chapter number 2, that is food. And next topic we will discuss with you keyword and the scientific word and terms used in our chapter number 2. So read this chapter properly, understand it, so that I will give ask you or clear you know next your keyword. So thank you and have a nice day.